हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे धीरे धीरे और बढ़िया ढंग से 10th पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो पहले ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ। तो आपको पता होगा जिसमें एक नई प्रॉपर्टी के साथ, अगर किसी चेंज में नई प्रॉपर्टी के साथ कोई सब्सटेंस बनता है तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है क्या, केमिकल रिएक्शन। ये डन हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, हमने क्या किया, दो प्रोडक्ट लिए, मतलब दो क्या है, दो सब्सटेंस लिए, एक मैग्नीशियम और दूसरा, बेसिकली सब्सटेंस नहीं है, मैंने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, इस तरीके का एक रिबन होता है। ठीक है, और ये लेबोरेटरी में रहता है, बेसिकली हमारे पास क्या है, लेबोरेटरी में रहता है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन उठाते हैं और उसको क्या है, जलाते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जो भी क्या है केमिकल, किसी केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। तो बेसिकली हमारे लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट। ठीक है, अब एक नया प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये नया मटेरियल कुछ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है, इनको हम प्रोडक्ट बोल लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। इतना क्लियर हो गया, सॉरी, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि पहला है सोरिंग मिल्क। सोरिंग मिल्क का मतलब क्या है कि तुमने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आज रात को क्या किया, दूध रखा, कल सुबह तक वो क्या है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दही में जो कन्वर्जन हुआ है वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ऐसे क्या, कुकिंग फूड। ठीक है, ऐसा ही डाइजेशन, रस्टिंग भी देखी होगी आपने, कि जैसे क्या है, कोई लोहा है, लोहे को कुछ टाइम तक पानी या एयर के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है बाहर से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे क्या। तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टर है, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर हम समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकल सकती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। चेंज इन कलर भी चेंज हो सकता है प्रोडक्ट का। चेंज इन टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। चेंज इन स्टेट, और स्टेट भी चेंज हो सकता है। ये मैंने पॉइंट लिख लिया, आप नोट कर लें। ठीक है, अब क्या है, इसको बारी बारी से सीखेंगे एक्टिविटी से। ठीक है, पहली एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, इसमें क्या है, हम एक फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में हम जिंक के ग्रैनुल्स लेते हैं, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, डालते हैं फ्लास्क में, उसके बाद ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जिंक ग्रैनुल के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाती है। कौन सी गैस निकलने लग जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाती है। और क्या होता है, फ्लास्क को अगर मैं साइड से छूंगा ना तो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को दो चीजें पता लगी कि ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, एक तो क्या हुआ कि गैस निकली भाई। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। जब कोई प्रोडक्ट बनाया उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, फ्लास्क गर्म हो गया बिल्कुल। तो दो चीजें हमारी क्या होगी, ये दो चीजें क्लियर होगी। क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है कि हमको क्या दिखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखे, और क्या है, चेंज इन टेम्परेचर दिखे। तो दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे केमिकल रिएक्शन जब होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या है, ये सारी एक्टिविटी लैब में परफॉर्म करेंगे, आपके टीचर्स परफॉर्म करवाएंगे ये वाली एक्टिविटी क्या है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं और लेड नाइट्रेट लेते हैं। एक क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनता है, और साथ में एक छोटे छोटे से हमको क्या है, कुछ रिमेन्स दिखते हैं, सॉलिड रिमेन्स दिखते हैं, और ये क्या है, लेड, इसको हम लेड आयोडाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो लेड आयोडाइड जो बना है वो क्या है, सॉलिड
क्या है, छोटे छोटे हमको वो दिखे हैं यहाँ पर रिमेन्स दिखे हैं, तो ये सॉलिड रिमेन्स को प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में वो ये पता लगा है कि प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है, कौन सा क्या फॉर्म हुआ है, प्रिसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, SO2 गैस पास करते हैं, SO2 गैस पास करने पर क्या होता है, ये जो ऑरेंज कलर था ये कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में कलर चेंज दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, प्रिसिपिटेट भी पता लग गया है, ठीक है, कल चेंज इन कलर भी पता लग गया है। अब लास्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। तो आप क्या, आप चेंज इन स्टेट बहुत आसान है, आपने देखा होगा क्या है कि जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने पर क्या होता है, वो जो लकड़ी होती है वो किस में चेंज होती है, गैस में चेंज होती है ना, वो जलता है तो क्या होता है, गैस निकलती है ना, तो गैस में चेंज हो रहा है। तो लकड़ी क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड से कौन से फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, कौन से फॉर्म में चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पता लग गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमको चेंज इन स्टेट भी दिख सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें दिख सकती हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं, वो इस एक्टिविटी से पता लग गई है, ठीक है। बहुत छोटा सा था इसके ये वीडियो, बहुत छोटी वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग सिखाएंगे, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।